अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज मैं एक मरतबा फिर आपको अपने स्टूडियो का टूर कराऊंगा। मैं आपको हर वो चीज़ दिखाऊंगा जो कि मैंने स्टूडियो में चेंज की है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने स्टूडियो की सिर्फ अहम चीज़ें दिखाऊंगा और वो तब्दीलियाँ दिखाऊंगा जो कि मैंने अपने स्टूडियो के अंदर की हैं। सबसे पहली तब्दीली आपके सामने सोलर सिस्टम पैनल्स। इस वक्त बहुत गंदे हुए हैं, पैनल्स आर एक्चुअली क्वाइट डर्टी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है वैसे। एनीवे, इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा पूरा स्टूडियो सोलर सिस्टम के ऊपर है। एक एक चीज़ पूरा दिन सोलर सिस्टम के ऊपर चलती है कम्प्लीटली। शाम के टाइम पे जब ऑफ कोर्स सूर्य चला जाता है तो फिर मैं इसको चेंज ओवर कर देता हूँ वापडा के ऊपर, लेस्को के ऊपर, बट अदरवाइज दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज दैट आई डिड दिस टाइम। ये 3000 वाट के पैनल लगे हुए हैं और 5 केवी का अंदर इन्वर्टर लगा हुआ है, 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं 200 मिली एम्पीयर की, और ये सब मिलके पूरे के पूरे स्टूडियो को एनर्जी फराहम करती हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट ग्रीन, नॉट कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट, एंड आई थिंक नाउ वी शुड हेड डाउन। ये है हमारे स्टूडियो का ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे आपको लाने का मकसद ये है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो ये वो जगह थी जहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ था। माई स्टूडियो वॉज हेयर एट दिस प्लेस, लेकिन अब मैंने स्टूडियो ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये जो जगह मैंने पूरी की पूरी है ये मैंने कुछ इस तरीके से तरतीब दे दी है कि अगर 2-4 गेस्ट आ जाएँ तो वो यहाँ पर आके आराम से बैठ जाएँ, दे कैन सिट ओवर हेयर। हम यहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और मिलके गपशप लगा सकते हैं। तो ये अब एक लिविंग एरिया टाइप की जगह मैंने बना दी है। ये है हमारे स्टूडियो के एंट्रेंस। फर्स्ट फ्लोर पे सामने वाला कमरा मैंने लिया है और मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि मैंने ये कमरा क्यों लिया है, वाई। एंट्रेंस से बिल्कुल पहले यहाँ पे आपको नजर आएगा हमारा मशहूर है ज़माना PTCL का इंटरनेट। लोगों को बहुत कंप्लेंस है इससे, बट आई डोंट हैव सो मैनी, अल्लाह का शुक्र अच्छा चल रहा है। 25 MBPS का कनेक्शन है एंड आई गेट सम रियली गुड स्पीड। स्टूडियो के आप जब अंदर आएंगे तो आपको वही दोनों गोडॉक्स की लाइट्स TL4 इस्तकबाल करेंगी। इनको मैं ऑन कर देता हूँ। ये वो लाइट्स होती हैं जो कि मैं उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता हूँ जब मैं सामने डेस्क के ऊपर बैठा होता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप पे एक रेल नज़र आ रही है जो कि एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक जा रही है, उसमें सामने दरमियान में ये थोड़ा सा स्टैंड भी लगा हुआ है। ये बेसिकली ओवरहेड शॉट्स लेने के लिए, यानी कि कैमरा मैं ऊपर लगा देता हूँ और टॉप डाउन अगर मुझे कोई शॉट चाहिए तो वो मैं इस रेल की मदद से लेता हूँ। ये मैंने बाद में फिक्स करवाई थी। देन दिस इज़ माई एयरकॉन ओरियन का 1 टन का AC, कम्प्लीटली ऑन द सोलर सिस्टम। मेरा वही पुराना वाला ट्राईपॉड, नथिंग न्यू अबाउट इट। ज़रा सा पीछे आए तो ये 4 अदद मैंने कुर्सियाँ रखी हुई हैं, प्लास्टिक की चेयर्स हैं सस्ती वाली, मैंने रखी इसलिए ताकि कोई भी अगर स्टूडियो में आए तो वो यहाँ पे आके बैठ सके। मूविंग ऑन, सामने आपको नजर आएगा मेरा डेस्क, और डेस्क के ऊपर ये ओलांजी का मैंने पूरा डेस्कटॉप का स्टैंड लगाया हुआ है। इसका मुझे नाम भूल गया क्या है, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। AliExpress से मैंने मंगवाया था एंड इट इज़ वेरी नाइस, ओलांजी का है ये। और इसमें 3 आर्म्स हैं, एक आर्म जो ये वाला है टॉप वाला, इसके ऊपर आपका कैमरा माउंट होता है, ये वाला जो आर्म है इसके ऊपर माइक्रोफोन मेरा माउंट होता है, ये सामने आपने देख लिया, और ये तीसरा आर्म जो है इसके ऊपर हेयर लाइट माउंट होती है, जो मेरे बालों के ऊपर रोशनी पड़ रही होती है ना वो इसके ऊपर माउंट होती है। वेरी रगेड और बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन आप लोगों में से अक्सर ने ये कहा कि जी आपका माइक्रोफोन हिल रहा होता है, तो उसकी वजह ये टेबल है। आई एब्सोल्युटली हेट दिस टेबल। इसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह इसको जल्दी सही करवाना है। दराज से मंगवाया था एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब चीज़ें दराज से आती हैं, तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का टेबल। सारे के सारे इसके जो लेग्स हैं वो एल्युमिनियम की बनी हुई है। यार टेबल की लेग्स कौन बनाता है एल्युमिनियम की? ये मैंने एक एक्सटेंशन सॉकेट लगाई हुई है, इस एक्सटेंशन सॉकेट के ऊपर वो तमाम के तमाम प्लग्स लगते हैं, जैसे ये लाइट्स प्लग इन हुई हुई है, AC अडाप्टर प्लग इन हुआ हुआ है। उसके अलावा इसी स्टैंड के ऊपर मैंने यहाँ पर एक पावर बैंक लटकाया हुआ है, जब मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो साथ ही साथ ये पावर बैंक उस कैमरे को चार्ज भी कर रहा होता है, 20,000 मिली एम्पीयर्स का पावर बैंक, वेरी नाइस। उसके बाद ये है कैमलिंक, और ये कैमलिंक यानी कि वीडियो कैप्चर कार्ड, और ये यूज़ होता है उस वक्त जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ। अभी तक मैंने कम किए, लेकिन जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं आई वॉन्ट टू यूज़ दिस कैमरा, क्योंकि लैपटॉप का कैमरा इतना अच्छा नहीं होता, तो तब ये कैमलिंक यूज़ होता है। लेट्स कम ऑन दिस साइड। ये वही डेल का 27 इंच का मॉनिटर है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, इसको मैंने तब्दील नहीं किया। एक ये 4 TB की हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर आपने देख लिया होगा YT स्टूडियो डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली सारे मेरे B-roll के क्लिप्स जो मैंने जहाज़ पे शूटिंग की थी, यहाँ थी वहाँ थी, जो जो चीज़ें मैंने शूट की वो सब इसके अंदर है। ये 4 TB की एक हार्ड डिस्क और है। उसके बाद ये 2 SSDs हैं, इनमें से एक SSD जो है ये वाली 1 TB की है, 1 TB की है SSD, और ये वाली SSD जो है ये 2 TB की SSD है, और ये दोनों माउंट हुई हुई हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर। लैपटॉप मेरा ये वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो कंप्यूटर अप हो गया है ऑन, और ये रहा मेरा लैपटॉप, मैकबुक प्रो 13 इंचेस M1। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, मेरी सारी की सारी नीड्स को पूरा करता है। लेकिन अब मैंने जब ज़्यादा पंगे लेना शुरू कर दिए ना, जब मैंने एनिमेशन कुछ बढ़ा दिए हैं, तो अब थोड़ा सा ये क्रैम्प होना शुरू हो गया। रीज़न बींग इसकी जो
मेमोरी है दैट इज ओनली 8 GB. आजकल तो मोबाइल्स में भी इससे ज़्यादा आती है, बट एप्पल इज एप्पल और एप्पल की 8 GB की मेमोरी भी काफ़ी होती है. देन दिस इज़ माई कीबोर्ड. ये एग्जैक्टली वही कीबोर्ड है जो कि पिछली वीडियो में था, मैजिक कीबोर्ड 2. स्मॉल वाला है, बड़े वाला नहीं है लेकिन अच्छा है. माउस मेरा एग्जैक्टली वही है जो कि पिछली वीडियो में था. माउस भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ लैपटॉप चेंज हुआ है. देन अगर आप थोड़ा सा आ जाएं इस साइड पे, तो यहाँ पे वो आपका USB-C का हब लगा हुआ है जिसके अंदर सारी की सारी ये ड्राइव्स कनेक्टेड हैं. प्लस इसके अंदर स्लॉट्स भी हैं ताकि अगर मेमोरी कार्ड है तो मैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकूँ, और नीचे ऑडियो आउट भी है. और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं तो ये सामने ग्लास है और पीछे जो है वो बारबेक्यू एरिया, पेशो, जो मर्जी आप उसको कहना चाहें वो है वहाँ पे. तो दैट इज़ देयर. और उसके बाद हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर. ये है JBL का चार्ज 4 स्पीकर, बहुत अच्छा है. साउंड क्वालिटी इज क्रिस्प एंड लाउड, मुझे बड़ा पसंद है. उसके बाद ये आ गया जी मेरा वायरलेस चार्जर. इस वायरलेस चार्जर की खसूसियत ये है कि एक तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, सेकेंडली इसके ऊपर एक मोबाइल ये हो गया, दूसरा अपना मोबाइल यहाँ पे रख देता हूँ, अपना iPhone SE रख देता हूँ. ये 2 iPhones जो है वो यहाँ पे चार्ज होते रहते हैं. और उसके बाद तीसरा ये जो टॉप है इसके ऊपर मैं अपनी एप्पल वॉच चार्ज कर सकता हूँ. एंड ऑल ऑफ देम कैन बी चार्ज एट वन टाइम. सबकी सब चीज़ें इकट्ठी चार्ज हो रही होती हैं. मूविंग ऑन फर्दर, ये मेरी एग्जैक्टली वही लाइट है जो कि पिछली वीडियो में थी इस कॉन्फो की. इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा. LED लाइट है, वेरिएबल कलर्स हैं, अच्छी है. उसके बाद ये आगे मेरे एडिटिंग हेडफोन्स सोनी के. मैंने सोचा तो ये था, बल्कि मैंने एक वीडियो में जिक्र भी यही किया था कि मैं इनको जल्द ही रिटायर कर दूंगा, लेकिन इनको मैंने जल्दी रिटायर नहीं किया बिकॉज दे आर टू गुड टू बी रिटायर्ड. और ये अभी तक मेरे साथ हैं, अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं. वेरी 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 नाइस हेडफोन्स. उसके बाद यहाँ पे ये एक और चार्जिंग का पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर मैं लगा देता हूँ अपना iPhone 13. और iPhone 13 इसके ऊपर मैग्नेटिकली चिपक के और चार्ज होता रहता है. पीछे छोटी सी कैबिनेट है, एग्जैक्टली वही है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी. इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ें सारी की सारी रखी हुई हैं, नथिंग न्यू. उसके बाद ये, दिस इज़ वेरी नाइस. मैंने बेसिकली ये लिया था अपने बच्चों के स्विमिंग पूल में हवा भरने के लिए, लेकिन अब ये काम इसके आ रहा है कि हम इसको चला के पूरे टेबल के ऊपर से हवा उड़ा देते हैं. फिर आपको ये एक लाइट रखी हुई नजर आ रही होगी, सस्ती सी लाइट है, इट इज़ अ गार्डन लाइट. बल्कि मैं एंड देर यू गो, ये लाइट है ब्लू जो लगी हुई है और दूसरी साइड पे लाइट लगी हुई है ग्रीन कलर की. ये पीछे जो जगह बनी हुई है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें रख दी हैं अपनी. सॉल्ट के लैंप्स रखे हुए, एक ये रखा हुआ है, एक वहाँ पर रखा हुआ है. दरमियान में बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही है जो पिछली वीडियो में थे. प्लांट भी वही है जो कि पिछली वीडियो में था. न्यू एडिशन इज द सिल्वर प्ले बटन. अब ये सिल्वर प्ले बटन जो है ये हमारे स्टूडियो का हिस्सा बन गया है. देन अगर हम थोड़ा सा बैक पे आएँ तो ये आपको बल्ब लटके हुए नज़र आ रहे हैं. ये वही बल्ब है जो कि मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में आपको नज़र आते हैं. मैं इनको बल्कि ऑन कर देता हूँ. देयर यू गो, अब हमने ये बल्ब अपने ऑन कर दिए हैं. सो दिस इज़ हाउ द बैकग्राउंड लुक्स. उसके बाद दूसरी लाइट जो बैकग्राउंड में लगती है वो होती है ये वाली. इसका जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो ये भी बैकग्राउंड में अपनी लाइट देना शुरू कर देगी. नाइस. देन दिस इज़ द चार्जिंग स्टेशन. चार्जिंग स्टेशन अब यहाँ शिफ्ट हो गया है. सारे चार्जर वार्जर इस जगह पे लगे हुए हैं. और ये मेरा जिम्बल ZUN VBIL S. लास्ट टाइम डिफरेंट था, अब मैंने चेंज कर लिया है. ये चाट मसाला रखा हुआ है, नमक रखा हुआ है, इसको भूल जाएं फिलहाल. फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फ्रंट रूम क्यों चूज़ किया, कि फ्रंट रूम से बाहर के नज़ारे बड़े ज़बरदस्त होते हैं. इट लुक्स ऑसम. और सामने आपको मेरी किया भी खड़ी हुई नज़र आ रही है. पूरी आपको सोसाइटी नज़र आ रही है, सूरज नज़र आता रहता है, लोग बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं नज़र आता रहता है, ग्रीनरी नज़र आती रहती है, थोड़ा गंद भी है वो भी नज़र आता रहता है. सो दैट इज़ वाई आई सेलेक्टेड फ्रंट रूम. अब मैं आपको अपने इस टेबल पे लेके आता हूँ. बाय द वे, वो जो लाइट्स मैंने आपको दिखाई थी वो ऐसी लगती हैं. दैट इज़ हाउ द लुक, गोडॉक्स की जो लाइट्स हैं. नाइस. और ये मेरी हेयर लाइट. अगर मैं हेयर लाइट को ऑन करूँ तो ऐसा रंग है इसका. लुक्स गुड. एनी वे, दिस प्लांट इज़ एग्जैक्टली सेम जो कि पहले था, नो चेंज. ये प्लांट मैंने नया मंगवाया था, बहुत ही फजूल प्लांट है, दराज से मंगवाया था, ख़त्म किस्म का प्लांट है, बिल्कुल मत मंगवाइएगा. ये मेरी ओकी की वही लाइट है जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ. दिस इज़ देन 50mm f1.8 लेंस. अगेन ये भी पुरानी है, नथिंग न्यू, एग्जैक्टली वही लेंस है. और ये सन 2003 में ख़रीदा हुआ मेरा कैमरा अभी तक जिंदा और जावेद है, मेरे साथ है. तो ये मेरे टेबल का एक परमानेंट हिस्सा है. देन दिस इज़ द माइक्रोफोन. इसका ब्रांड है ENRG. अब इसे क्या बनता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये कंडेंसर माइक्रोफोन है तो डेफिनेटली आपको फैंटम पावर सप्लाई चाहिए होती है. और फैंटम पावर सप्लाई रखी हुई है यहाँ पे, ये फैंटम पावर सप्लाई है. देन दिस इज़ माय वन ऑडियो रिकॉर्डर Zoom H6. मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, Zoom H6.
और साथ में ये मेरे एयर कंडीशनर का रिमोट रखा हुआ है। जूम H6 इज एक्सेलेंट रिकॉर्डर, इसमें चार आपकी XLR इनपुट्स हैं, फिलहाल तो एक ही यूज हो रही है। मेरे साथ कोई काम ही नहीं करना चाहता यार, अकेले काम करने लगा हूं। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द टेबल सेटअप लेट्स कम हियर, मैं आपको जरा ये जगह भी दिखा दूं थोड़ी सी। ये दूसरा सेकेंडरी चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे मेरे ड्रोन के चार्जर्स लगे हुए, बैटरीज लगी हुई सारी की सारी और ये चार्ज हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं ऑलमोस्ट आई थिंक। नहीं, ये वाली चार्ज अभी हो रही है, दिस वन इज चार्जिंग। तो इसकी केबल मैं यहाँ लगा के रखता हूँ, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। और बाकी यहाँ पे कुछ नीचे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की चीज़ें रखी हुई हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। देन दिस इज माई वॉशरूम, पहले जूते चेंज कर लें, वॉशरूम के जूते पहन लें। पूरे का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फ्रंट इसका शीशे का बना हुआ है। अगर आप इस कैबिनेट को स्लाइड करेंगे तो अंदर आपको मेरी सारी YouTube की चीज़ें नज़र आएंगी, हर चीज़ YouTube की है, कैमरा केज, ये वो, कैमरे का बैग और सब कुछ। इस दराज को अगर आप खोलेंगे तो ये क्या पड़ा हुआ, श्रीलंकन पैसे पड़े हुए, श्रीलंकन पैसे पड़े हुए और ये सारे बिल पड़े हुए, नथिंग स्पेशल। उसके बाद आप इस कैबिनेट की इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने लटका के रखे हुए कि अगर कभी चेंज करने पड़े तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर लूँ। ऑल राइट, मूविंग ऑन, एंड नाउ इट्स टाइम टू ओपन दिस साइड। और इस साइड पे भी YouTube की ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, बल्ब्स, रिफ्लेक्टर्स, काविया, छोटी सी कैबिनेट जिसके अंदर चार्जर है, केबल है, नाइट विजन कैमरा है, और उसके बाद टॉप के ऊपर गॉड नोज व्हाट कुछ स्टैंड टैंड पड़े हुए हैं। दिस इज माई वैनिटी, अंदर से खाली पड़ी हुई है, इनमें किसी दराज के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। दिस इज माई हेयर ड्रायर एंड कूम, पहले का है, कोई नया नहीं है। ये क्या चीज़ है, अच्छा बॉडी स्प्रे है, ये स्किन, क्या चीज़ है ये, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, ये ब्रिल क्रीम, ये भी इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये वाली लाइट वैसे काम नहीं कर रही है अभी, तो इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। एनीवे, कमिंग ऑन दिस साइड, ये मेरा शावर का क्यूबिकल है जिसमें आप शावर ले सकते हैं, और जब मैं क्रिकेट खेल के आता हूँ तो फिर शावर यहीं पे होता है। फ्रंट कमरा लेने की दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे मेरे पास है टेरेस, छोटा सा है, नॉट बिग, बट आई कैन ऑलवेज कम हेयर एंड आई कैन ऑलवेज हैव सम फ्रेश एयर। और ये अली साहब तो शीफ ले आए हैं, छुट्टी हो गई है। और ये सामने मेरा हीटर लगा हुआ है जहाँ पे मेरा पानी गर्म होता है। और ये अली एक बार दोबारा फिर हाथ हिला दे। और बाय द वे आपको एक और बता दूं कि इस कैमरे से तो मैं शूट करता ही करता हूँ, जो कि α7C है, एग्जैक्टली वही कैमरा है जो कि पिछली वीडियो में था। साथ ही अब मैं iPhone 13 से भी शूट करता हूँ, और चूंकि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं इसलिए आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि किस कैमरे से शूटिंग की गई है। तो बहरहाल आज मैंने आपको दिखाया अपने स्टूडियो का सेटअप, मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि मेरी पिछली वीडियो में क्या क्या था जो कि ज़्यादा डिटेल्ड है, जिसमें मैंने सारे कमरे भी दिखाए हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप ये देखना चाहें कि आप कम से कम इक्विपमेंट के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी ज़ाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।